व्हाट इज हाइजेनबर्ग रीजेंट? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हाइजेनबर्ग रीजेंट कहते हैं। ये C6H5, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl, दिस इज हाइजेनबर्ग रीजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अ कंपाउंड विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H9N रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव ए सॉलिड इन सॉल्युबल इन एल्कली। तो आपने इस कंपाउंड का रिएक्शन हाइजेनबर्ग रीजेंट के साथ कराया, तो आपके पास एक सॉलिड बना और वो सॉलिड जो एल्कली था, मतलब बेसिक सॉल्यूशन, उसमें सॉल्युबल नहीं है। आपको बताना है कि ये क्या है। देखो, ये जो हाइजेनबर्ग रीजेंट है ना, ये आप इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के साथ डिफरेंट होती है, और यही जो इसकी प्रॉपर्टी है यूज़ कर सकते हैं हम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। क्या होता है, देखो, मान लो आपके पास प्राइमरी अमाइन है, तो ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये प्राइमरी अमाइन के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा, वही होगा SN2TH रिएक्शन टाइप होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक मारेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो PHSO- डबल बॉन्ड ओ एन एच एच आर, यहाँ पॉजिटिव एक सी एल भी यहाँ होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सी एल को बाहर आउट कर देंगे, PHS डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एन, एक यहाँ से एच भी चला जाएगा, एच खींच, एच अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, NHR, ये बन गया ना, एच सी एल बाहर हो गया। तो मतलब हुआ कि एच सी एल बाहर हुआ, बेसिकली यही हुआ ना। अब क्या है, नाइट्रोजन के पास अभी भी एक एच बचा हुआ है, ये एच एसिडिक एच है, क्यों, अगर ये एच चला गया तो यहाँ पे जो लोन पेयर बचेगा नाइट्रोजन के पास, एक तो पहले से ही है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए ये एच एसिडिक है। तो मतलब अगर आप इसको एल्कली में डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, दिस विल बी सॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। बट ये हो गया प्राइमरी अमाइन, मतलब क्या होता है, प्राइमरी अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन क्या करते हैं, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये हो गया ना। अब यहां पे कोई एसिडिक एच है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो ये सेकेंडरी अमाइन जो है ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट तो करेगा, पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल, एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, एल्कली में नॉट सॉल्युबल। लेकिन जो टर्शरी अमाइन है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके साथ, R1 R2 R3, यहां तो नाइट्रोजन के पास एच ही नहीं है, क्या एच सी एल निकालोगे आप, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शन है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिएक्ट तो कर गया, गिव ए सॉलिड, ये रिएक्ट करता है इसके साथ, तू गिव ए सॉलिड, मतलब रिएक्ट तो कर गया जो कि इनसॉल्युबल था एल्कली में, मतलब वो सेकेंडरी अमाइन है। तो ये फॉर्मूला है, इसके कितने अमाइन बन सकते हैं, ये आइसोमर इसके बन सकते हैं। अब देखो, इसके आइसोमर बनाना भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाला करो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C+1 - H+X - N/2। कार्बन कितने हैं, 3 + 1, माइनस हाइड्रोजन 9, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 1/2, तो 4 - 4 आ गया ना 0, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है, मतलब ना तो इसमें कोई रिंग है ना कोई डबल बॉन्ड है। तो बस फिर तीन का स्टेट से नहीं बनानी है, तो क्या क्या बन सकते हैं आइसोमर इसके, देखो
कार्बन की चेन तो ऐसी बन सकती है, और तो कुछ वे ही नहीं है इसको बनाने का, कार्बन की चेन को बनाने का। तो क्या करो, एक बार आप यहां लगा दो एन, ठीक है, एच तो चलो हो ही जाएगा, बाकी एच तो आप पूरे कर ही सकते हो कि यहाँ सी एस थ्री होगा, यहाँ सी एस टू होगा, यहाँ सी एस टू होगा, यहाँ पे एन एस थ्री होगा, वो तो एन एस टू सॉरी, वो तो आपको पता ही है। एक ही हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, सी एस थ्री सी एच एन यहाँ लग जाए। इस कार्बन चेन के साथ और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि नाइट्रोजन की डिग्री चेंज कर दो, ये दोनों प्राइमरी है माइनर, अब सेकेंडरी बन सकता है। ये बना दो, ये 2 डिग्री अमाइन बन गया, कैसे यहाँ लगेगा 3 डिग्री, अब 2 डिग्री और कुछ नहीं बन सकता, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, और तो कुछ नहीं हो सकता। 3 डिग्री बन सकता है एन सी एस थ्री सी एस थ्री सी, बस इससे अलावा कोई आइसोमर और नहीं बन सकता इसका। तो इन चारों में से 2 डिग्री कौन है, ये। सो दिस इज द आंसर। एन इथाइल सल्फोनामाइड इज ए सॉल्यूबल इन एल्कली। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एन इथाइल सल्फोनामाइड है क्या। सल्फोनामाइड क्या होता है, देखो देखो ये ना एन इथाइल बेंजीन सल्फोन, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे आप एक एच की जगह इथाइल लगा दो, C2H5, तो ये हो गया एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये कहता है कि ये एल्कली में सॉल्यूबल है, यस है, क्योंकि यहाँ पे ये एच है ना एसिडिक, ये वाला दिस एच इज एसिडिक एच, तो ये बात तो सही है। रीजन हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इज एसिडिक, यस दोनों सही है। सिर्फ उससे एसओ भी तो आ गया, सिर्फ ऊपर जड़ लिखा से गया। एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, आप समझ गए ना, एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड क्या होगा, दो इथाइल लगा दो नाइट्रोजन के ऊपर। ये कहता है कि ये एल्कली में इनसॉल्युबल है, सही है बात है, सही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो यहाँ पे एसिडिक एच है ही नहीं, तो ये इनसॉल्युबल तो है, तो करेक्ट। सल्फोनाइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही, पर ये इसको इस बात को एक्सप्लेन तो नहीं करता कि वाई इट इज इनसॉल्युबल। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।